हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सो काफ़ी सारियां जो US इमीग्रेशन दे बारे जिहड़ी अपडेट्स आई हैगी जो असी इस वीडियो दे विच डिस्कस करांगे। सो सब तो पहला असी डिस्कस करांगे US दे इमीग्रेशन कोड दी रीओपनिंग दे बारे। दूसरे नंबर ते गल करांगे US अंबैसी ते US कैनेडा मैक्सीको जिहड़ा बॉर्डर हैगा वै ओदी रीओपनिंग दे बारे। और तीसरे नंबर ते असी गल करांगे प्रेजिडेंट ट्रंप जो एक होर नवा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लिआउण जा रहे ने, सो की है उस ऑर्डर दे विच। सो वीडियो नूं पूरा जरूर देखियो और जेकर तुसी साडा चैनल सबसक्राइब नहीं कीता थल्ले सबसक्राइब बटन ते क्लिक करो। सो शुरू करते हैं, सब तो पहला गल करते हैं इमीग्रेशन कोर्ट की रीओपनिंग की, क्योंकि काफ़ी जिहड़े कोर्ट इन्होंने नॉन डिटेन हेयरिंग वास्ते अजे भी बंद रखे है, जिन्हों के कारण जिन्हों लोगों ने भी असाइलम के केस लगाए हैगे है, जिन्हों दी मास्टर हेयरिंग या फाइनल हेयरिंग हैगी इन्होंने पोस्टपोन कर दी है क्योंकि कोर्ट बंद है। सो जिहड़े भी कोर्ट अजे तक नहीं खुले है, जिन्हों विचों न्यूयॉर्क और होर कई जिहड़े कोर्ट आ जाते हैं है, वह कोर्ट इन्होंने अजे तक नहीं खोले, जिन्होंने इस महीने खोलना सी पर कोरोना वायरस के कारण उन्होंने वापस पोस्टपोन कर दिता है December 11, 2020 तक। बाकी जिमें कि अं दस दई है, जेकर तुसी चैक करना चाहते हो किड़े कोर्ट के ताकि हेयरिंग हैगी है कदों हैगी है वह कोर्ट खुला है या नहीं खुला है, वो वास्ते इन्हों की जी वैबसाइट हैगी है justice.gov, इस वैबसाइट पर जाके तुसी चैक कर सकते हो। अगली जी न्यूज़ हैगी है US कैनेडा तो US मैक्सीको बॉर्डर जेडे इन्होंने मार्च के महीने तो बंद किए हैं कोरोना वायरस के कारण। सो इन्होंने फैसला लिया है कि December 21 तक ये जे अपने बॉर्डर है उन्होंने बंद रखेंगे, क्योंकि USA के कोरोना वायरस के केस वापस तेजी के नाल बढ़ रहे हैं। बाकी तुहानू पता ही है कि इन्होंने कुछ जेडे लोगों को कुछ जिहड़ियां चीज़ां इन्होंने छूट दी हैगी है, जिवें ट्रेड जिहड़ा एसेंशियल ट्रेड हैगा उहदे वास्ते इन्होंने बॉर्डर खोले हैगे आ, जिहड़े US सिटीजन कैनेडा दे विच हैगे आ वो वापस USA आ सकते हैं, जेकर कोई भी कैनेडियन सिटीजन USA दे विच हैगा तो वापस कैनेडा बॉर्डर के थ्रू जा सकता है। सो ये जिहड़ा बॉर्डर जिहड़े बंद रखे हैगे आ इन्होंने नॉन एसेंशियल ट्रैवल जिहड़ा हैगा उहदे वास्ते इन्होंने ये जिहड़ा बॉर्डर हैगा December 21 तक एक्सटेंड कर दिता हैगा, December 21 तक इन्हां दे जिहड़े बॉर्डर हैगे आ बंद रहणगे। अगली गल करते हैं US अंबैसी की रीओपनिंग की, जिवें कि तुहानू पता ही है जुलाई के महीने इन्होंने ऑल ओवर द वर्ल्ड जिहड़ियां इन्हां दी अंबैसियां हैगियां इन्होंने फेस वाइज फेस खोलनियां शुरू कीतियां सी, जिहदे विच कुछ जिहड़े रूटीन वीजा सर्विस सी ये दे रहे सन। सो हुण जिहड़ी लेटेस्ट इन्होंने अपडेट दित्ती हैगी है उहदे विच वी इन्होंने यही किया हैगा कि वी आर अनेबल टू प्रोवाइड स्पैसिफिक डेट कि कदों तो इन्होंने जिहड़ियां इन्हां दीआं रूटीन वीजा सारे जिहड़े वीजा एप्लीकेशन जिहड़ियां इन्होंने कदों तो लैणियां शुरू करनियां किहड़े देश विच कदों तो शुरू हो गईआं उहदे वास्ते इन्होंने कहा है कि तुसीं जिहड़ी तुहाडी लोकल अंबैसी हैगी है उहदी वैबसाइट तुसीं चैक करो किहड़ी अंबैसी किहड़ी सर्विस ऑफर कर रही हैगी है प्रोवाइड करा रही है, तुसीं अपनी लोकल अंबैसी की वैबसाइट पर ही चैक कर सकते हो। सो बाकी कुछ होर जिहड़ियां इन्होंने वीजा कैटेगरी जिहड़ियां ऐड कीतियां हैगीआं जिहड़ियां एप्लीकेशनां इह लै रही हैगे आ उहदे विचों आ जांदा है स्टूडेंट्स वीजा जिहड़े हैगे आ F1 M1 सर्टन J1 ਅਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਮੋਨੀਟਰ ਲੋਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਨ ਈਚ ਕੰਟਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਘਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਟੀਨ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਅੰਬੈਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਰਥ ਰਾਈਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਸੋ ਬਰਥ ਰਾਈਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਏ ਬਰਥ USA ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ USA ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਇੱਥੇ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ USA ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ USA ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ USA ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਰਥ ਰਾਈਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ January 20 ਨੂੰ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਸੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ
ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਰਥ ਰਾਈਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ USA ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਥੱਲੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਔਰ ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਏ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸੋ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।